तो हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों का टेक कार्ड पे। तो गाइस, हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई पीसी बिल्ड करने जाए तो फिर हम लोग प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड, रैम और पैसा बचे तो लिक्विड कूलिंग भी लगा लेते हैं। और क्या करते हैं, जो कैबिनेट होता है ना उसमें थोड़ा बहुत RGB लाइट वाइट लगा के फ़ैन तो कर लेते हैं, लेकिन मॉनिटर में हम लोग थोड़ा सा भी पैसा नहीं खर्च करेंगे। एक बजट मॉनिटर हो जाए तो ही अच्छा है। तो इस वीडियो को पूरा देखो, आप लोग को पता चल जाएगा कि 7-8 हज़ार में कौन सा मॉनिटर बेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस तरीके का और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो आप लोग को इस चैनल में मिल जाएगा। अब देखो गाइस, ये जो मॉनिटर का डब्बा आया है, मैं इसको पहले खोलूँगा और उसके बाद आप लोग को दिखाऊँगा कि इसके साथ क्या क्या आता है, क्योंकि ये बहुत ही लो रेंज एक मॉनिटर है। आप देखोगे, आप अमेजोन या फिर कोई भी साइट पे जाओगे तो बहुत सारा मॉनिटर आप लोग को मिल जाएगा महंगा महंगा, लेकिन हमारे पास पैसा कहाँ होता है। अगर थोड़ा बहुत पैसा बच जाए तो फिर हम लोग पॉकेट में घुसा लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ पर खर्च करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता। तो थोड़ा बहुत अगर पैसा बच जाए तो ये वाला मॉनिटर आप ले सकते हो। अब इसमें देखो, ये जो आता है ये पावर अडेप्टर जो होता है वो वाला, ये पावर अडेप्टर है, उसके साथ एक पावर केबल आता है। और ये जो है ये मॉनिटर का स्टैंड है, ये बहुत ही हेवी क्वालिटी का है। तो इसके जो प्राइस है, ये प्राइसिंग के हिसाब से ये मॉनिटर दिखने में आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको धीरे धीरे मैं दिखाती हूँ, पहले इसको थोड़ा साइड करके रख देती हूँ। अब गाइस, ये जो मिलता है आप लोग को मैं दिखा देती हूँ, ये है जो वायर मैनेजमेंट के लिए मॉनिटर का जो स्टैंड के पीछे लगने वाला है। चलो और देखते हैं इसमें और क्या क्या है। तो इसको पहले उठा लेती हूँ, थर्मोकोल का जो डब्बा। अब इसको निकालने के पहले मुझे और एक चीज़ यहाँ पे मिल जाता है, ये है जो स्टैंड है, नीचे का जो स्टैंड है ये है। तो ये बहुत ही हेवी क्वालिटी का लगा मुझे, प्राइस के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का दिया है। अब ये जो पूरा चीज़ है ये एलुमिनियम का है, तो बहुत ही हेवी क्वालिटी का है, आपका मॉनिटर को ये बहुत आसानी से संभाल लेगा। और मॉनिटर के क्वालिटी के हिसाब से जो भी कंपोनेंट आपको यहाँ पे मिलेगा वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। तो गाइस, ये जो वीडियो है ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो बड़ा चला के मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, जो सच है वही बताऊँगा। अब ये जो स्टैंड है इसको मैं अभी साइड में रखता हूँ, थोड़ा बहुत और क्या क्या देख लेती हूँ। अब देखो, ये एक HDMI केबल हमको मिल जाता है, और ये केबल भी मुझे अच्छा खासा क्वालिटी का लगा, बहुत ही अच्छा वाला केबल दिया है। ये सैमसंग का है, तो इस प्राइस रेंज में आप अगर आप लोग को कोई अच्छा कंपनी का कुछ भी प्रोडक्ट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग जो भी पैसा होता है वो CPU में ही ज़्यादातर खर्च करते हैं, लेकिन इस प्राइस रेंज में ये मॉनिटर बहुत अच्छा है। अब ये थोड़ा कागज़ात मिल जाता है, तो ये तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको क्या करूँ, अब इसको साइड में रख देती हूँ। अब मुझे एक चीज़ पता नहीं चला कि ये 2 स्क्रू दिया है, तो 2 स्क्रू तो ठीक ठाक है, लेकिन एक चीज़ मुझे पता नहीं चला कि ये क्या है। अब गाइस, ये तो बता रहा है कि स्टैंड के नीचे डालने का, तो चलो सेटअप करते हुए देख लेते हैं। तो गाइस, अब जो इसका जो मेन हाईलाइट है, ये जो डिस्प्ले है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो इसको निकालते हुए मैं एक बात आप लोग को कहना चाहती हूँ, अगर मेरे पास 2010 से सैमसंग का एक मॉनिटर है, ये तो नया वाला है, उसका बात कर रहा हूँ, तो वो जो मॉनिटर है अभी तक ठीक ठाक चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, तो सैमसंग के साथ आप लोग जा सकते हो, ये मैं बता सकती हूँ। और गाइस, ये जो मॉनिटर है प्राइसिंग के हिसाब से ये मॉनिटर बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छा कोई भी मॉनिटर आप लोग को इस प्राइस रेंज में नहीं मिलेगा। तो ये जो मॉनिटर है ये 2-3 दिन से मेरे घर पे आया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा बहुत टेस्ट कर रहा था कि ये मॉनिटर ठीक ठाक संभाल लेता है, अगर कोई भी हम अच्छा रिफ्रेश रेट का कोई भी गेम खेले तो फिर ठीक ठाक सा संभाल लेता है या फिर नहीं लेता। तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मॉनिटर है, मैंने इसमें बहुत सारा जो गेम खेला हूँ, तो इसका जो क्वालिटी है, डिस्प्ले क्वालिटी, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी गेम करा देती है ये मॉनिटर। और गाइस, और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, इस मॉनिटर में बहुत सारे फीचर्स है कि 75Hz रिफ्रेश रेट है वो तो है, और गाइस अगर आप लोग कोई गेम खेल रहे हो तो फिर आपका जो आई जो प्रोटेक्टेड वाला जो मोबाइल पे होता है ना, उस तरीके का सेटिंग भी इस मॉनिटर पे आप लोग को मिल जाएगा। और ये जो गेम का जो एक गेम मोड मिल जाता है, जिसमें आप लोग अगर कोई गेम खेल रहे हो तो उसमें आप लोग को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो इस प्राइस रेंज में बहुत सारे फीचर्स ये मॉनिटर दे देता है, और लुक वाइज भी ये मॉनिटर बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा कम बजट के साथ जाना चाहते हो तो ये मॉनिटर बहुत ही अच्छा है। अब इस मॉनिटर के पीछे की तरफ आप लोग को एक ही स्विच देखने को लिए मिलेगा, और उसको आप ऊपर नीचे साइड कर सकते हो, उस तरीके से आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। और इसमें थोड़ा सा मैं 4K वीडियो भी चला के देखा हूँ, आप लोग देख लो कैसा क्वालिटी है। आप लोग को पता चल रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ कि ये मॉनिटर एक अगर आप लोग 7,000 या फिर 8,000 के बजट में हो
तो इसमें मॉनिटर के साथ आप लोग जा सकते हो, आप लोग का जो पैसा है वो वेस्ट नहीं जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मॉनिटर है। तो इस मॉनिटर का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो, इस चैनल में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। अब गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।